अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, टीवी टुडे के साथ मैं हूं नुशे खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नैले पे दैला। आज हम मौजूद हैं जू में, जो बच्चों का, बड़ों का और सबका ही फेवरेट होता है। स्पेशली मेरा तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। और यहाँ पर आए लोगों से करेंगे मजे मजे की चिट चैट, क्रिस्पी क्वेश्चंस और इसके अलावा करवाएंगे उनसे टंग ट्विस्टर्स। आज के प्रोग्राम का क्रिस्पी क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी, कि वो कौन सी चीज है जो सुबह 4, शाम को 2 और रात को 3 टांगों पर चलती है। क्या आपको इसका जवाब मालूम है? अगर मालूम है तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में, और बुलवाएंगे लोगों से एक छोटा सा जुमला, ये इसका है, वो उसका है, तो बताइए कौन किसका है। तो आइए चलते हैं लोगों की जानिब और देखते हैं यहाँ कौन कौन से एनिमल्स मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारी पहली फैमिली जिनसे हम बात करने जा रहे हैं, तो आइए चलते और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका प्यारा सा नाम? हसनैन। और आपका? सहर। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। क्या? ज्वेलरी की। ज्वेलरी की? हाँ जी। आर्टिफिशियल? हाँ जी। कैसा जा रहा है आपका बिजनेस? बस ठीक है, नॉर्मल है। जो हालात है आजकल के, बस बहुत ही मुश्किल है गुजारा करना, बहुत मुश्किल इसी तरह है। और आप क्या करती हैं? मैं कुछ भी नहीं करता, घर पे रहती। जी, घर पर। सही है। तो आज कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बस बच्चों ने शोर किया तो दिल किया हम आ गए अचानक ही। आ गए? हाँ जी। तो परेशान क्यों लग रहे हैं? बस कुछ भी नहीं है, सन्नाटा। जिस तरह पहले इधर आते थे, रश वगैरह देखते थे, आजकल देख रहे हैं बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है इधर। जानवर देख लिए सारे? अब जानवर भी बस समझ लो कि बहुत ही बहुत कम है, और इतना नहीं है जानवर जिस तरह पहले होता था। और पता नहीं है क्या वजह, ये हुकूमत का है क्या है? पूरा प्रोसीजर नहीं मजा आ रहा जिस तरह पहले मजा आता था, एंजॉय होता था। इस टाइम अब कुछ भी नहीं है, जहाँ भी आप देखेंगे। ठीक है, मजा नहीं आ रहा आपको। बाकी आपकी लाइफ कैसी जा रही है? शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल कर लें आपसे। आप मुझे ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जो सुबह को 4, शाम को 2 और रात को 3 टांगों पर चलती है। सुबह को 4 और रात को? सुबह को 4, शाम को 2 और रात को 3 टांगों पर चलती है। नहीं आता। इतने परेशान क्यों हैं? दुखी हैं जिंदगी से, सब कुछ उसे सफर करके आए। कहाँ से आए? बुरे से। अच्छा, डिस्टर्ब है? आप भी आए हैं? आप भी डिस्टर्ब हैं जी? आप लोग भी डिस्टर्ब हो? क्या शेयर करेंगी आप? मैं कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं आप? नहीं, कुछ नहीं। चले जी, थैंक यू सो मच। आप लोग जाके इन्जॉय करें। ये हमारे साथ फैमिली थी, थोड़ी सी घबराई हुई, परेशान, तो आई होप सो कि सब कुछ ठीक होगा और आगे लोग हमें अच्छे मिल जाएंगे और जवाब भी दे देंगे। हमारे साथ मौजूद है एक प्यारी सी फैमिली, आइए चलते और बात करते हैं और पूछते हैं क्या उनको हमारे सवाल का जवाब मालूम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्यारा सा नाम? मिसेस वकार। क्या करती है? हाउसवाइफ। आपका नाम? वकास। आप क्या करते हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं। किस डिपार्टमेंट में? हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट में कैसी जा रही है लोगों की हेल्थ? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है? हाँ जी। कोरोना वायरस नहीं है किसी को? हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा, सब कुछ चल रहा है। हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा, सारा कुछ ही चल रहा है। ठीक है, आप क्या करती हैं? मैं हंसने के अलावा? मैं स्कूल में पढ़ती। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? HN। HN जी। हम आप मुल्तान से आई हो? जबरदस्त। कैसा लग रहा है लाहौर? अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। शेर देख लें यहाँ पे, लाइन देखा है? सब कुछ देख लिया। सब कुछ देख लिया। कैसा लगा? अच्छी, अच्छा लग रहा है। और मुल्तान में जू है? नहीं, नहीं है। ठीक है, तो आप उसके अलावा क्या करती है? हाउसवाइफ। उसके अलावा क्या करती है? तो ये आपकी हॉबीज, क्या करना पसंद है आपको? जो हाउसवाइफ होती है वो बस हाउसवाइफ ही होती है। और कुछ नहीं होती? ये भी बहुत बड़ा काम होता है, पूरे घर को संभालना, हस्बैंड के नखरे बर्दाश्त करना, खाना बनाना, बच्चों को देखना। ठीक है, कैसी जा रही है सर आपकी लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सब ठीक चल रहा है। सब ठीक है? हाँ जी। तो बहुत अच्छा नहीं है? सब ठीक है तो इसका मतलब बहुत अच्छा ही हो गया। नहीं, सब ठीक है मतलब नॉर्मल है। ठीक मतलब नॉर्मल, बहुत अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपको लाहौर? अच्छा लग रहा। मौसम कैसा लग रहा है? मुल्तान जैसा। बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है? नहीं, ऐसा ही है मौसम। ठीक है, मुझे बताएं आपकी कॉमन सेंस इस टाइम कितनी काम करी, दिमाग कितना एक्टिव है? अल्हम्दुलिल्लाह 100%। हाँ जी। तो सर आप थोड़ी देर अपना मोबाइल छोड़ देंगे तो हम आपसे भी पूछ लेंगे कितना दिमाग एक्टिव है आपका। बस सवाल जो आप पूछ रहे हैं, अगर आ जाएंगे तो फिर बता देंगे, नहीं तो फिर ना। सही, चलें क्वेश्चन कर लेते हैं आपसे। सही है, आप मुझे बताइए वो कौन सी चीज़ है जो सुबह में 4, रात को, शाम को 2
और रात को तीन टांगों पे चलता है? मैं बताऊं या ये बताएं? इंसान कैसे? क्योंकि जब वो पैदा होता है तो वो क्रॉल करता है, वो चार टांगों है, और जब वो जवान होता है तो वो दो टांगों पे चलता है, और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो स्टिक के सहारे चलता है। वो उसकी शाम है, रात है। आपको लगता है सही कह रही है? जी सही कह रही है। की बात? की बात है। आपको लगता है मम्मा सही कह रही है? जी। चलें क्लैप कर दे अपने लिए, सही जवाब दिया आपने। माशाल्लाह काफी इंटेलिजेंट हैं आप। घर वाले मशवरे लेते हैं आपसे? मैं मुझसे ले भी लेते हैं और नहीं भी लेते हैं। ले भी लेते नहीं भी लेते? जी। आपको कैसे जवाब आया इसका? पहले से आपने पढ़ा हुआ था कहीं पे? नॉलेज होनी चाहिए इंसान को, हर चीज नॉलेज होनी चाहिए। जबरदस्त भाई, मुल्तान से हमारे पास समझदार लोग मौजूद हैं। क्या शेयर करेंगी? मुल्तान वाले हैं ही समझदार। ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्या शेयर करेंगी? कोई ब्यूटी टिप, कोई रेसिपी, कोई मैसेज देना चाहें देखने वालों को, पोइट्री सॉन्ग, क्या बताओ? कोरोना का ख्याल करो, बस ठीक, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, बस ठीक है। दूर दूर रहना चाहिए, जुड़ जुड़ कर नहीं रहना चाहिए। कोरोना है ना? ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू जैसे। हाँ जी, आप क्या शेयर करोगी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई पोएम आती है सुना दे? ट्विंकल ट्विंकल। इसके अलावा नहीं? नहीं। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके। व्यूअर्स आए चलते हैं, यहाँ पे मौजूद बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं और पूछते हैं उनसे, क्या उनको मेरे सवाल का जवाब मालूम है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका प्यारा सा नाम? जी मेरा नाम शहजाद है। और आपका? सायमा। आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ जी। गवर्नमेंट सर्वेंट है, किस डिपार्टमेंट में होते हैं? मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। जबरदस्त, कैसी जा रही है हमारे बच्चों की तालीम? जी बहुत अच्छी जा रही है, बस ये इन दिनों में थोड़ा कोरोना की वजह से कुछ मसाइल चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है इस हवाले से। बोर्ड की क्लासेस के एग्जाम्स होंगे इस बार या उनको पास कर दिया जाएगा? वैसे ही देखिए, जैसा कि हमारे जो वजीर तालीम है उन्होंने भी ये कहा है कि इस दफ़ा कोई भी बच्चा प्रमोट ऐसे नहीं किया जाएगा ना, तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम होंगे। होंगे, सही है। और आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। इसके अलावा? उसके अलावा टीचिंग करती हूँ मैं। टीचिंग करती हैं कहाँ पे? मैं प्राइवेट अकेडमी है। हाँ जी। ज़बरदस्त, मतलब दोनों ही बच्चों को फ्यूचर बनाने में किरदार अपना अदा कर रहे हैं। तो आपसे एक छोटा सा सवाल करेंगे, आज के हमारे प्रोग्राम का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो आप मुझे बताइए आपकी इस टाइम कॉमन सेंस कितनी काम कर रही है? कॉमन सेंस सारी काम कर रही है। सारी काम? जी जी। क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन आज का बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो सुबह में चार, शाम में दो और रात में तीन टांगों पर चलती है? क्वेश्चन थोड़ा टफ है। बहुत ईजी है ये पहेली है, क्वेश्चन तो नहीं है, रिडल ही है ना, आपकी कॉमन सेंस चेक करें, क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन मार्क के आगे। वो कौन सी चीज़ है? कौन सी लग गया, क्या लग गया, क्यों लग गया, तो क्वेश्चन बन गया। सुबह में चार, शाम को दो और रात को तीन टांगों पे चलती है। हाँ जी चलती है, चीज़ है, जिंदा चीज़ है, बहुत ही अहम चीज़ है इस दुनिया की। एनिमल्स में से है या? एनिमल्स में से भी है। एनिमल्स में से भी है। इंसान वैसे एक एनिमल है ना? जी इंसान तो है लेकिन सोशल एनिमल है ना। सोशल एनिमल, तो इंसान इंसान के बारे में आप बात कर रही हैं? कैसे, मैं कैसे बात कर रही हूँ, आप मुझे कोई रीजन दें कैसे। देखिए आप कह रही हैं कि सुबह को चार टांगों पे, नहीं मैं एक्चुअली इस क्वेश्चन को ना सही तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया ना। नहीं कर? जी जी। आप जाते जाते करीब से वापस मुड़ गए, चलें कोई बात नहीं। क्या शेयर करना चाहेंगे बच्चों के लिए? यह है कि बच्चे जो है इन दिनों में जो उनके जो एजुकेशन के हवाले से जो ना उनका तलीम का जो हर्ज हुआ है उस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि वो घरों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है, वहाँ भी वो तलीम जो है वो अपनी जारी रखें, ठीक है। गवर्नमेंट ने चैनल भी बनाया हुआ है इस हवाले से, तलीम घर जो है उसको भी देखते रहें, और इसके अलावा जो है अपने वालदैन जो उनसे कंसल्ट करें या बहन भाई पढ़े लिखे हैं जो उनसे कंसल्ट करके, या ऑनलाइन एजुकेशन जो अब तो इंटरनेट है जो है वो उस हवाले से भी बच्चे जो है अपनी क्लासेस के हवाले से वो तालीम जारी रखें ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो।
थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद है दो प्यारी सी लड़कियां, आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्यारा सा नाम? नादिया। आपका? अलीज़े। क्या करती हैं? कुछ भी नहीं। ओह नो। कुछ भी नहीं करती? घर में। घर में? जी। घर में क्या करती है? घर का काम, मम्मा की हेल्प। पढ़ती नहीं है? नहीं, छोड़ दिया। क्यों? बस ऐसे। नहीं करता था? नहीं करता था, बस घर मामा लोग की परेशानी थी इसलिए छोड़ी। इसलिए छोड़? नहीं, कोई बात नहीं। आप क्या करती हैं? मैं पढ़ती हूँ। आप क्या पढ़ती हैं? मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ, साइंस के साथ। साइंस के साथ जी। कैसा पढ़ती है? बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा जी। सबसे ही अच्छा। हाँ जी। आप कजन से दोनों जी? क्या लगती हैं आप? ये मेरे मामू की लगती है। मुझे बताइए कॉमन सेंस कितनी काम करी, दिमाग कितना काम कर रहा है इस टाइम? दिमाग तो काफ़ी। और आपका? चल रहा है। ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आपने आंसर देना होगा मुझे, ठीक है? वो कौन सी चीज़ है जो सुबह में 4, शाम को 2 और रात को 3 टांगों पर चलती है? कौन सी चीज़? नहीं पता हमें। नहीं पता? मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं ना। कभी देखा ही नहीं? आप बड़ी कैसे हुई हो? ऐसे ही बड़े हो गए। चुटकी बजाई और बड़े हो गए। हाँ जी। आप बताएं। सुना ही नहीं कभी? नहीं। ये प्रोग्राम देखेंगी ना, उसके लास्ट पे जब आप सुनेंगी तो कहेंगी ओ माय गॉड, ये तो मेरे साथ हो गया है, ये मेरे साथ हो चुका है, ये मैंने देख लिया है। अच्छा। ओ माय गॉड। नहीं आ रहा। मैं एक जुमला बोलती हूँ, आपने इसको रिपीट करना है, ठीक है? ये इसका है, वो उसका है, बताएं कौन किसका है। 5 दफा। ये इसका है, वो उसका है, बताओ कौन किसका है। कौन किसका है, वो उसका है, बताओ वो किसका है। ये इसका है, वो उसका है, बताओ वो किसका है। ये इसका है, वो उसका है, बताओ ये किसका है। क्या किसका है बताएं, आपने जो कल हमें कह दिया। आप ट्राई करें। ये इसका है, दोबारा रिपीट करें। ये इसका है, वो उसका है, बताएं कौन किसका है। ये उसका है, वो उसका है, बताएं कौन किसका है। ये उसका है, ये उसका, ये मेरा, ये उसका, मेरा है, ये मेरा है, बताएं मेरा का है, सब उसका भी मेरा है, मेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा है। क्या शेयर करेंगी? कुछ भी। आवाज किसकी अच्छी है? इसकी अच्छी है। अच्छी है? नहीं। सुना दे। क्या? कुछ भी नहीं मुझे आता। कुछ भी नहीं आता? ऐसा नहीं हो सकता, हर इंसान को कोई ना कोई चीज आती है जिसमें वो अच्छा होता है। क्या आता है? पानी का फॉर्मूला सुना दें। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H की पावर टू और ओ। H2O नहीं कहते? H2KO भी कहते हैं, H2KO भी। भाई वो आपको ढूंढ रहे होंगे, जाएं जी अपने घर वालों के पास। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी। व्यूअर्स, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहेगा, वापस आकर करेंगे लोगों से मजे मजे की चिट चैट। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नैली पे दैला। हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद के एक प्यारे से नौजवान, आइए चलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्यारा सा नाम? मोहम्मद हबीब, फ्रॉम हैदराबाद। फ्रॉम हैदराबाद? जी जी। एंड यू आर नॉट अ टेररिस्ट? यस ऑफ कोर्स, आई एम नॉट पाकिस्तानी, नॉट अ टेररिस्ट। क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग की जॉब करता हूँ। कैसी जा रही है जॉब? अल्हम्दुलिल्लाह जॉब अच्छी जा रही है। कितनी अच्छी? बहुत अच्छी है, पर नौकरी छोकरी नहीं है। होगी भी नहीं, मिलेगी भी नहीं, ये अल्लाह पे भरोसा है। यहाँ से, यहाँ जू में ढूंढने आए? नहीं, जू में क्या कुछ, जू में तो बंदर होते हैं। बंदरियाँ भी होती है? जी जी, नसीब की बातें कहीं से ही मिल सकती है। मुझे ये बताइए आपकी कॉमन सेंस कितनी काम कर रही है? बताएं आप, सवाल पूछें। फौरन सवाल पूछो, वैसे काम कितनी कर रही है? क्या काम कितनी कर रही है? काम करती है, वक्त के साथ साथ करती है। वैसे कॉमन सेंस कहते किसको है? कॉमन सेंस किसको कहते हैं? ये एक जड़ी बूटी थी जो कि काबुल के एक वादी है, उसमें ये उगी जाती थी, जो कि अब पाकिस्तान में खत्म हो चुकी है। हैदराबाद में होती है सिर्फ? हमारे इमरान भाई पंसारी की दुकान में मौजूद है ये। मौजूद है। चला, बढ़िया, अच्छा एक्सेंट है आपका, बड़ा अच्छा बोल रहे, बहुत अच्छा लगा बात करके। तो सवाल पूछ लेते आपसे, ठीक है? पूछ लूं? पूछे। जवाब दे देंगे? जवाब देंगे, लेकिन उसके बाद कुछ मिलेगा भी या फिर ऐसे ही हमारा टाइम? अगर सही जवाब देंगे। अच्छा, अब टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, फेमस हो रहे हैं आप, पूरी दुनिया देख रही है आपको इस टाइम। वैसे हम करोड़ों में हैं। करोड़ों में? और क्या? करोड़ों में? और क्या? सवाल पूछे आप। ठीक है, सवाल करते हैं। वो कौन सी चीज है जो सुबह में 4, शाम को 2 और रात को 3 टांगों पर चलती है? सुबह में चार? हाँ जी। शाम को 2
और रात में तीन टांगों पर चलती है। रात में तीन टांगों पर चलती है, सूम तो नहीं? एक लाइफ लाइन ले लें, अपने अब्बू को कॉल कर लें। क्योंकि इतना ये बिग बॉस चल रहा है या वो करोड़पति चल रहा है? इतना मुश्किल सवाल आपने पूछा है, हिंट तो दे दे, आपने बोला था मैं हिंट। आप उस स्टेज से गुजर चुके, ये आपके साथ हो चुका है। अच्छा, बचपन में? बचपन में तो बचपन के वाक्य मत याद दिलाए। सबके साथ हो चुका है। पैर क्या? अरे आई एम द विनर। कैसे? बचपन में चार। क्या चार? चार शादियाँ। पैर ना चार टांगों चलते ना, ठीक है, फिर बड़े होते हैं तो बताना। दो से चलते हैं। बताना। तीन से चलते हैं, फिर तीन से चलते हैं। तीन से कैसे चलते हैं? डंडी जो होती है। ओ, जीत गए। अब लाओ हमारा इनाम। सही जवाब दिया आपने। इनाम आपका ये कि आप मुझसे और मजीद दो मिनट और बात करेंगे। बहुत टाइम कीमती है मेरा। कीमती है, बिजनेसमैन है। बन जाएंगे, नहीं है तो क्या हुआ। सवाल पूछे चले आप। सवाल चले, मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, आपने उसको पांच दफा दोहराना है। होना पर सेंटेंस चाहिए वो? हाँ जी। चले ठीक है, पूछें। मैं बोलूंगी, आपने दोहराना है स्पीडली, ठीक है, तेजी से। ये हाँ जी, क्या हो गया, पसीने क्यों आ रहे? नहीं, पसीने तो गर्मी है, लाहौर में गर्मी है, मालूम जब हमें। ये इसका है, वो उसका है, मुझे बोल तो लेने दे। ये इसका है, वो उसका है, बताएं कौन किसका है। पांच दफा बोलना है बगैर फंबल किए। इसका, ये उसका, ये मेरा है। गलत। ये इसका है, ये उसका है। ये इसका है, वो उसका है, बताओ कौन किसका है। अच्छा, ये इसका है, वो उसका है, बताओ कौन किसका है। ये इसका है, ये उसका है, बताओ कौन किसका है। ये इसका है, उसका, बताओ कौन किसका है। ये इसका है, ये उसका है, बताओ कौन किसका है। ठीक है, एक दफा फंबल हुआ है। चलो क्या शेयर करेंगे? शेयर कोई मैसेज, गाना, सॉन्ग? नहीं। शेरो शायरी? नहीं। कोई नाद? नहीं। कुछ तो सुना दे। टाइटैनिक सॉन्ग सुनाऊंगा मैं आपको, टाइटैनिक सॉन्ग। Every night in my dreams I see you, I feel you, that's how I know you. Go on, yes you are, my heart will go on. Please give me WhatsApp number. Oh my darling, I love you. Go on. हो गया आपका। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। बहुत इंटरटेनर है, बहुत बड़े, अल्लाह करे आप बहुत कामयाब और इसी फील्ड में घुस जाए अब आप। आमीन, आपने तो दादी अम्मा की दुआएं दे दी मेरे को। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं दो प्यारी सी लड़कियां, ये चलते और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्यारा सा नाम? एमन मलिक। और आपका? कायनात इजाज। क्या करती हैं? हम बैचलर्स कर रहे हैं एयर यूनिवर्सिटी से। जबरदस्त। और आप क्या करती हैं? सेम फ्रेंड्स हैं जी, एक यूनिवर्सिटी में। बेस्ट फ्रेंड्स जी। हम लोग इस्लामाबाद से आए हुए हैं। इस्लामाबाद से जी। कैसा लग रहा है लाहौर? हम अभी सेकंड टाइम आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी थोड़ी सी गर्मी हो गई थी सुबह में, लेकिन अभी बेहतर है। और इस्लामाबाद का वेदर कैसा है? इस्लामाबाद का अभी जब हम आए थे तब तो बारिशें वगैरह हो रही थी, तो मतलब काफ़ी अच्छा वेदर था। तो हमने कहा यहाँ पर भी अभी इन्हीं डेज में अच्छा होगा, तो हम लोग अभी इससे जाके घूम फिर आते हैं। जो भी ट्रिप इंजॉय करना है। क्या करना पसंद है? घूमना चक्कर नहीं आते घूम के? नहीं, लाहौर में घूमना। घुमाती हैं आप लोगों को? घुमाती है, लेकिन वो चक्कर वापस भी आ जाता है। उंगलियों पे नचाती है? नहीं, वो मैं नहीं कर सकती। नहीं कर, वो ये करती है। मेकअप किसने किया दोनों का? मैंने खुद किया है। खुद? ठीक है, मुझे बताएं कैसा लग रहा है, जू कैसा लगा आपको? तो हम पहले एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतना अच्छा होगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है, इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, और हम लोग यहाँ पे आके काफ़ी सुकून वाला इन्वायरमेंट है, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके। ठीक है, मुझे बताएं कॉमन सेंस काम कर रही है इस टाइम, दिमाग एक्टिव है? वो तो आप क्वेश्चन पूछेंगे तो पता चलेगा। और आपका? होप सो। चलिए क्वेश्चन कर लेते। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और बहुत सारे लोगों ने जवाब दे भी दिया है। ठीक है, क्वेश्चन आज का ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो सुबह में चार, शाम में दो और रात में तीन टांगों पर चलती है। रिपीट करें। वो कौन सी चीज़ है जो सुबह में चार, शाम में दो और रात में तीन टांगों पर चलती है? घड़ी। उसके तो चार होते नहीं, वो तो तीन ही होते हैं। नहीं आ रहा। नहीं आपको देखे पीछे शायद आ जाए।
ये तो चार टांगों पे चलता है सुबह शाम। चार टांगों पे चलता है। चलो मैं हिंट देती हूँ, आप उस स्टेज से गुजर चुकी हैं। अच्छा बच्चा, छोटा बच्चा? अच्छा बच्चा, छोटा बच्चा, गंदा बच्चा नहीं। छोटा बच्चा, फेसबुक पे आईडी बनी होती है ना, गंदा बच्चा। लड़कियों की बातें भी है। नहीं आ रहा, आप क्या बता रही थी वैसे? बच्चा, छोटा बच्चा। कौन सा, कैसे, एक्सप्लेन करें जरा इसको खुल के। वो बहुत छोटा होता है ना, तो तब वो क्रॉलिंग करता है, फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो कभी गिरता है कभी चलता है, हाँ ना। तो वो सुबह जो है वो बहुत छोटा बच्चा है, फिर शाम को उसकी टीन एज आ जाती है, दिन को सॉरी, और फिर शाम को वो बुढ़ापे की तरफ। बुढ़ापे, बुढ़ापे में कैसे चलता है वो टीन पे? वो एक वो होती है ना, आप जरा क्लैप कर दें, ही जवाब दिया इन्होंने। और आप क्या कहना चाहेंगी, इनको समझ ही नहीं आई? इसको मैं सिखा दूंगी, सिखा दूंगी। आहिस्ता आहिस्ता, अभी छोटी है ना, बड़ी हो रही है। ठीक है, मैं एक जुमला बोलती हूँ, आपने दोहराना है, ठीक है? आपने बोलना है ये इसका है, वो उसका है, बताएं कौन किसका है, फाइव टाइम्स। ये उसका है, ये इसका है, ये इसका है, वो उसका है, बताएं कौन किसका है। ये इसका है, वो उसका है, बताएं कौन किसका है। ये इसका है, वो उसका है, बताएं कौन किसका है। ये इसका है, वो उसका है, बताएं कौन किसका है। ये इसका है, वो उसका है, बताएं कौन किसका है। ये इसका है, वो उसका है, बताएं कौन किसका है। कौन किसका है? मैं आप किसकी? ये किसकी है? मुस्तफा भाई की। अच्छा, कमिटेड है जी, माशाल्लाह, बड़े मुझे फख्र होता है बच्चों पे जो सामने खुल के बताते हैं कि वी आर कमिटेड, और नाम भी बता देते हैं प्रॉपर। आप भी कमिटेड है? नहीं। होना चाहती है? होना भी नहीं चाहती? नहीं। क्या शेयर करेंगी? कोई मैसेज देना चाहें? मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, ठीक है? मैं जो हूँ ना इस्लामाबाद में, मैं स्कूटी चलाती हूँ, ठीक है? मतलब स्कूटी ड्राइव करती हूँ मैं, मतलब उधर मोस्टली सिंगल मैं ही होती हूँ सिर्फ रोड पे, लेकिन मैं अपने, बाकी सब नहीं होते रोड पे, बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स में सिर्फ मैं ही होती हूँ। मैं अपने बॉयज़ और मर्द हज़रात को मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप किसी लड़की को ऐसे देखें रोड पे स्कूटी चलाते हुए, तो उसे घूरना बंद कर दिया करें, क्योंकि वो आपकी वजह से ही, अगर वो कहीं आगे पीछे कंफ्यूज हो जाती है तो आप लोगों की वजह से हो रही होती है। ये नहीं होता कि उसे ड्राइविंग सही नहीं आती, और सेम गोज टू कार ड्राइविंग, जो कार ड्राइविंग भी होती है, अगर आप लड़कियों को ऐसे कोई गाड़ी चला रही है, ड्राइव कर रही है, तो आप लोग ऐसे उसे घूर के देखेंगे और ऐसे मतलब ऐसे नज़रों से देखेंगे तो वो लाजमी कन्फ्यूज़ होगी। इसमें उसकी गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। ज़बरदस्त जी, क्या मैसेज दिया, पहले तो आप इनके लिए क्लैप कर देना अब। ज़बरदस्त, स्कूटी वैसे चलानी चाहिए लड़कियों को, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं भी सोच रही हूँ वैसे चलाने की, लेकिन इंशाल्लाह चलाएंगे जल्द। चलाने का प्रॉब्लम होता है ना, तो इस वजह से मैंने अभी स्कूटी लिया पिछले दिनों ही। ये मुझे तब आप भाई ने कहा था कि आप स्कूटी ले ले, और इस तरह जी उन्होंने ज़बरदस्त गिफ्ट किया था जी। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। व्यूअर्स, हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, आइए चलते और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका प्यारा सा नाम? इनाम हसरत। नाम? हसरत। हसरत, हाँ जी। की हसरत करते हैं? बस बचपन से लगातार आ रहा हूँ। हाँ, बचपन से लगातार आ रहा हूँ अपने नाम के साथ, इनाम हसरत। क्या करते हैं वैसे आप? मैं बी एस एनेस्थीसिया, मैं पेशावर से कर रहा हूँ, पेशावर इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी से। इकरा, हाँ जी। तो यहाँ कैसे आना हुआ लाहौर? बस एक कज़न की शादी थी, उसके कज़न की शादी थी ना, तो उसके साथ आए हैं। अभी मेरे साथ फैमिली है, ये जू देखने के लिए आए हैं। हाँ, कौन कौन आया आपके साथ? मेरा भाई, सॉरी मेरा भाभी है। भाई नहीं है? नहीं भाई मैं नहीं है, मेरा सिस्टर है और मामी है और बच्चे हैं छोटे छोटे। जे आपके? नहीं, मेरे भांजा है, दूसरे भतीजा है। तुम्हें कुछ सुना दे पहले। मैं क्या डायलॉग पश्तू मूवी का, या कोई पोइट्री या कोई सॉन्ग याद है आपको? रहमान बाबा को जानते हो? पश्तू का एक शायर है। नहीं जानते, लेकिन आप सुना दें। अखपल प्रदीपा के मानूम शी ए रहमान कला कला दगमुनो बारान खड़े। क्या मीनिंग है इसका? या जो मतलब इसका जो है ना, जो क्या बताऊँ आपको, सारा कुछ ही बता दे। इसका जो है ना, बस मैंने को छोड़ यार, जब मैंने कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? मुझे जो पठान मिलते हैं ना, वो तो बड़ा अपना रोब जमाते हैं, लेकिन कुछ आपकी तरह अच्छे पठान भी होते हैं। देखे कितने शरीफ लग रहे हैं, हाथ बांध कर खड़े, जैसे अभी नात पढ़ने लगे हैं। नहीं ऐसे नहीं है डॉक्टर, तशरीह में कैसे करूं इसका। क्या हॉबीज है आपकी? मैं क्रिकेट और हाइकिंग बहुत पसंद करता हूँ। हाइकिंग? हाइकिंग बहुत ज्यादा। उसके अलावा स्टडीज? स्टडी, हाँ। कुछ शेयर कर दे, सवाल हम आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि आप
पूछ लूँ सवाल? वो तो आपको पता चल गया होगा जवाब। कुछ दूसरा पूछे, नो प्रॉब्लम। दूसरा? हाँ दूसरा। वो कौन सी चीज है जो हमेशा नीचे आती है कभी ऊपर नहीं गई? पठान से मैं यही पूछती हूँ। हमेशा नीचे आती है कभी ऊपर नहीं, कभी नहीं गई। नीचे आती है कभी ऊपर नहीं। मैंने पठानों के लिए रखा हुआ है खसूसी तौर पे। ये तो पाकिस्तान का पैसा है मेरे ख्याल में। पैसा है? हाँ, नहीं पैसा तो नहीं है। हमेशा नीचे आती है ऊपर नहीं गई। बारिश तो नहीं है? बारिश, बारिश तो नहीं है। बारिश ऊपर से नहीं जाती, ऊपर तो नहीं जाती ना। बारिश होती है तब पानी आता है। हाँ, जब ज्यादा होती है तो ज्यादा पानी आता है। थोड़ी होती है तो थोड़ा पानी आता है। क्या शेयर करें, कुछ शेयर कर दे हमारे देखने वालों को। कोई मैसेज देना चाहें, कोई बात कहना चाहें, कुछ सुनाना चाहें। बस अभी तो कोरोना चल रहा है, अब हम लोग चाहिए कि अपने ही हिफाजत करें, अपने अपनों की हिफाजत करें। आपका मास्क किधर? कैमरे के लिए उतारा है? मैंने इंटरव्यू के लिए उतारा है। आपने भी इसलिए उतारा? हाँ जी। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। आज के प्रोग्राम में जो सवाल पूछा गया था उसका सही जवाब था इंसान। इंसान जब छोटा होता है वो क्रॉलिंग करता है, थोड़ा बड़ा होता है तो दो टांगों पर चलता है, और जब बूढ़ा होता है तो लकड़ी के सहारे चलता है। इस तरह के मजीद प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहिए टीवी टुडे। अब तक के लिए अपनी होस्ट अनुष्का खान को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।